तो दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी टेलीकॉम का चैनल। मैं हूं देवद रंगवाल और अभी मैं अपने आईफोन के लैब में हूं। यहां पर ये वीडियो मैं लेकर आया हूं अपने आईफोन के उन स्टूडेंट के लिए जो अगर किसी इंस्टीट्यूट से सीख चुके हैं और तब भी काम नहीं कर पा रहे, या जो दुकान में काम कर रहे हैं और ये अपना काम किसी और को देख रहे हैं या अपना काम किसी और को दे रहे हैं। सो ये उन स्टूडेंट के लिए खास वीडियो है, तो ये वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि यहाँ मैं बताऊंगा कि क्यों एशिया टेलीकॉम को आपको आईफोन ज्वाइन करना है, क्यों आप हमारे पास आइए और हम आपको इस बोर्ड में काम करवाएंगे। सो और सारी बेनिफिट मैं आपको बताऊंगा, तो ये वीडियो पूरा देखिएगा। वो छोटा सा वीडियो है, शॉर्ट में मैं कोशिश करूंगा जो भी डाउट्स है वो मैं क्लियर करूंगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्या पहला ये सवाल कि क्या बेसिक वाले आईफोन को कर सकते हैं जो जिनमें आज तक काम नहीं किया जो फ्रेशर है। सो मैं बोलूंगा हाँ, हमने बेसिक वालों के लिए एक ऐसा एक कोर्स लेकर आए हैं आईफोन में, बेसिक टू एडवांस, जिसमें हम आपको इस फोन की छोटी सी छोटी आईसियां हम आपको निकलवाना सिखाएंगे। हम इस फोन में आपको सर्किट का स्कीमेटिक आपको रीड करना, कैसे इसको पढ़ना है कंपोनेंट की, इसको डिटेलिंग देंगे देसी लैंग्वेज में, जिसको आपको सही तरीके से समझाएंगे आपको। दोस्तों मैं आपको सच बताऊं, आप कितनी भी चाइनीज लैंग्वेज में आप देख लो या किसी भी दूसरी बाहर की लैंग्वेज में देख लो, तो जो कनेक्शन बनता है वो बन नहीं पाता है, जितना वो बताते हैं उतना ही मिल पाता है। यहाँ आप आएंगे तो यहाँ पे आपको डिटेलिंग मिलेगी। एशिया टेलीकॉम का वैसे भी इतिहास रहा है कि यहाँ से निकलने वाले 50 में से 10 स्टूडेंट ने अपना इंस्टीट्यूट खोला हुआ है। सो वैसे मैं बता दूं कि किस तरीके से मैं आपको डिटेलिंग यहाँ पे दूंगा। जो अगर आप मान लीजिए किसी दूसरे बिजनेस से आईफोन के बिजनेस में आए हैं, या आप नॉर्मल एंड्रॉइड का काम कर रहे हैं पर आईफोन में जाना चाहते हैं, आप चार्जिंग बनाना चाहते हैं, आप इसका आपके पास फोन आ रहा है इसका टच खराब है, आपके पास फोन आ रहा है इसमें ऑडियो वर्क नहीं कर रहा है, इसमें लीकेज है, इसमें हाफ शॉटिंग है, इसमें फुल शॉटिंग है, फोन डेड है, तो इसको कैसे बनाया, तो सारी चीज हम आपको सिखाएंगे जो बेसिक टू एडवांस है। सिर्फ इसमें सीपीयू नहीं होगा कि सीपीयू का काम इसमें हम आपको नहीं सिखाएंगे, और देखा जाए तो वो काम हमें सीखना तभी चाहिए जब हमको बेसिक पूरा काम आए। ये बात तो आप भी समझते हैं कि पहले आप स्कूल जाते हो फिर आप कॉलेज जाते हो, तो स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई एक साथ तो आपने भी नहीं की होगी ना किसी ने की होगी। सो बेसिकली ये मैं आपको यहाँ पर 15 दिन भी दोस्तों बहुत कम होते हैं, एक इंस्टीट्यूट आपको 15 दिन भी दे रहा है तो वो भी बहुत कम है, 30 दिन भी दे रहा है तो भी वो भी बहुत कम है, पर फिर भी आप अपने दुकान छोड़ के आएंगे उसके लिए भी हमने 15 दिन यहाँ पे निकाले हैं, जिसमें हम आपको पूरा सारा आईसी को निकालना लगाना क्या डायरेक्ट सोल्यूशन है, क्योंकि जो हमारे ट्रेनर है सैयद सर वो ऑटोमेटिकली उन लोगों का काम करते हैं अपनी दुकान पर बैठ के। जो डीलर लोग हैं जो बड़े बड़े दुकान वाले फोन को डेड कर देते हैं लाइट बनाते समय टच बनाते समय, तब वो उन फोन को सीपीयू लेवल पे उनको उसको बनाते हैं। तो I2C लाइन क्या होती है, I2S लाइन क्या होती है, सारी लाइनों का आपको नॉलेज हम दिएंगे। और बेसिकली यहाँ पे आपको किस तरह से टच आइडिया बनाए, स्क्रैचिंग कैसे करें, स्क्रू होल हो जाते हैं, या सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग या अपग्रेड की बात करूं तो सारी चीजें आपको यहाँ पे कंप्लीट पैकेज में मिलेगी। जो फीस है वो कम है, 45,000 ओनली फीस है, इसमें रहना खाना आपका बहुत कम है, सिर्फ 5,000 रुपए के अंदर आपका रहना खाना हो जाता है। सो ऑल ओवर 50,000 रुपए आपके यहाँ पे लगेंगे। हम आपको 4 बोर्ड यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराएंगे जिसपे आप काम करेंगे, और एक लाइव बोर्ड हम आपको iCloud का भी प्रोवाइड कराएंगे जिसमें आप प्रैक्टिकल करेंगे, और जो लाइव बोर्ड हम आपको देंगे वो भी काफी कम रेंज में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको बेस्ट आपको मशीनों से काम होगा, हमने आपके लिए बेस्ट मशीन यहाँ पे लगा के रखी हुई है। यहाँ पे इक्विपमेंट आपको बहुत अच्छा मिलेगा, जो बैकअप सपोर्ट है जो कोई नहीं देता वो यहाँ हम देंगे, और गारंटी है यहाँ पर कि आप सीख जाएंगे। कोई भी इंस्टीट्यूट अपने काम की गारंटी नहीं देता है, सिर्फ एशिया टेलीकॉम है जो अपने काम की गारंटी देता है। इसलिए मैं देवेंद्र अग्रवाल कहता हूँ कि आप यहाँ आइए, मैं आपको सिखाऊंगा, और ये दावा करता हूँ कि आप यहाँ से 1 महीने के बाद जब प्रैक्टिस करेंगे तो उसके अगले महीने आप कस्टमर का काम करना शुरू कर देंगे। दोस्तों अगर उस वो भाइयों की बात करते हैं चलिए, कि जिनको ऑलरेडी एक छोटा मोटा काम आता है, जैसे यूट्यूब बना लेते हैं, चार्जिंग बना लेते हैं, लीकेज बना लेते हैं, कैपेसिटर फाइंड आउट कर लेते हैं, नॉर्मल कॉम्पोनेंट की उनको पहचान है, पर अगर सपोज उनके पास फोन आता है कि अब सीपीयू रिवॉल्व करना है या रैम रिवॉल्व करनी है, रैम निकालना है या सीपीयू निकालना है या स्वैपिंग करनी है। देखिए क्या होता है स्वैपिंग, डाटा रिकवरी, अगर मान लीजिए आपके पास कोई बोर्ड आए और वो बोर्ड इस तरह से बीच में से देखिए ऐसे टूट जाए, मान लीजिए कोई बोर्ड आए, कोई कस्टमर का बोर्ड आए और वो बोल रहा है सर ऐसा ये बोर्ड ब्रेक हो गया है, सो इस बोर्ड में आप 10,000 माइक आप जम्पर तो लगा नहीं सकते हैं। तो इस बोर्ड में आप सिर्फ पावर की देने की बात करते हो, उसमें बहुत कुछ है जो इस बोर्ड में यहाँ पर सेक्शन बसता है। सो इस बोर्ड को दूसरे बोर्ड में किस तरह से कन्वर्ट किया जाए ताकि कस्टमर का डाटा बच जाए, तो ये हम आपको सिखाएंगे, और इसमें हम आपको 3 out of 5 की गारंटी हम आपको देंगे, मतलब 5 में से 3, अगर हम आपसे 5 सीपीयू देंगे तो उसमें से आप 3 की गारंटी हम आपको देंगे, जिसमें हम आपको A10 A8
A8 में आपको खास बता रहा हूं, ये लाइव वीडियो है और हमने अपने चैनल पे ये लाइव भी डाला है, इसको देखेगा जरूर। ये A8 अभी तक किसी भी इंस्टीट्यूट के टीचरों ने खुद लाइव प्रैक्टिकल करके नहीं डाला, सिर्फ एशिया टेलीकॉम है। आप वीडियो देखिए दोस्तों, आपको खुद पता चल जाएगा कि हमारे टीचरों ने यहाँ पर क्या काम किया है, कितने साल का अनुभव है। जो 8-8 है, बात सब करते हैं कि मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल सिखा दूंगा, पर हमने यहाँ पे खुद करके आपको वीडियो में लाइव दिखाया है। तो हम आपको यहाँ पर इसकी स्वैपिंग सिखाएंगे, तो डाटा रिकवरी, आपको डाटा रिकवरी क्या होती है, किस तरीके से आप अपने कस्टमर का डैमेज पीसीबी को भी आप सही करके उसको चालू करके लाइव लाभ दे सकते हो। जो इसमें इनकम होती है दोस्तों वो बहुत ज्यादा होती है, आईफोन में काम करने वाले लोग बहुत कम है, और आईफोन ऐसा नहीं है, मार्केट में बहुत आ रहा है, पर लोग विश्वास नहीं करते हैं आईफोन में, लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं होता है, दुकान में वो आईफोन लेने से पहले घबराते हैं, आईफोन खोलने के घबराते हैं, इवन ये जो सील्ड होती है, क्रीम पत्रा कुछ भी बोल सकते हैं, इसको निकालने में उनको डर लगता है। बहुत सारी चीज है जो लोग सिखाते हैं या जो लोग ऑनरशिप रखते हैं उनको खुद नहीं आता है, ऐसे टीचर के साथ में काम करते हैं। तो आप ये सोचिए कि एक ऐसी संस्था में जाइए जो टीचर भी हैं और जो आपको सिखा भी रहे हैं और जिनका अच्छा इतिहास है। यहाँ पर हमने एक साल हमारे EMC में हमने बहुत अच्छा अपना एक साल हमने EMC में अपना बहुत अच्छा हमने रिव्यू दिया हुआ है, हार्डवेयर के हमारे बहुत अच्छे रिव्यू है, आपने देखा होगा। हम हर स्टूडेंट से रिवॉल्विंग, हम 3 दिन के अंदर उनको CPU निकाल के लगाना, हम सारा प्रैक्टिकल चीज सिखाते हैं। तो ये सब आपको यहाँ पर आएंगे, एशिया टेलीकॉम को एक बार चुनो और अपनी लाइफ को झिंगलाला बनाओ। तो मैं यही कहूंगा कि एशिया टेलीकॉम को चुनो और सही दिशा में मूव करो। यहाँ पर मैं बातें नहीं करूंगा, यहाँ पर आपको सिर्फ काम कराऊंगा, और जो एक DC लैंग्वेज है 40 मैथड भी आपको सिखाएंगे, कुछ भी अलग तरीके नहीं होते, जो सेफ वे है, लोग कहते हैं हम सेफ वे में सिखाएंगे, ऐसा नहीं है कि दुनिया में से वही सेफ वे में काम कर रहे हैं, अगर काम हमारे भी हो रहा है तो हम भी सेफ वे में ही कर रहे हैं, तो हम भी आपको सेफ वे में ही सिखाएंगे। बट मैं यही समझता हूं कि अपने लोगों को मौका दीजिए इंडिया में और देखिए कि हमारे लोगों में ही बहुत टैलेंट है, और जितने भी बाहर के लोग हैं हम उनको ही मौका दे रहे हैं, उन्हीं लोगों को हम समझ रहे हैं, जबकि वो आपसे बात भी सही तरीके से नहीं कर पाएंगे, उनकी लैंग्वेज ही आपकी नहीं है, ना आप उनको समझ पाएंगे ना वो आपको समझ पाएंगे, तो ये चीज बहुत मैटर करता है। सो एक बार ज्वाइन करो एशिया टेलीकॉम, और अगर आप कोई बच्चा ओवरऑल सीखना चाहता है, मान लीजिए वो हमारा बेसिक भी लेना चाहता है और CPU लेवल भी लेना चाहता है, जैसे CPU अगर वो करना चाहता है तो वो पूरा कोर्स कर सकता है। यहाँ हमने उसके लिए 1 महीने का कोर्स रखा हुआ है जिसमें 15-15 दिन के 2 स्लॉट रखे हुए हैं और जिसकी फीस सिर्फ 60,000 रुपए है। ये मैं आपको बता रहा हूं, अगर मैं ये करके नहीं दूंगा कि मैं 60,000 में EMC भी सिखा दूंगा, मैं एंड्रॉइड भी सिखा दूंगा और ये सब कुछ 15 दिन में, दोस्तों ये पॉसिबल नहीं है। स्टूडेंट जो नए आते हैं उनको कुछ भी सिखा दो उनको कोई नहीं, जब वो जाके करते हैं तो उनको काम कुछ नहीं आता है, EMC के नाम पे सिर्फ 2 दिन का ISP पिन आउट बता देते हैं और उसके बाद भी कुछ नहीं बताते, चेंजिंग IC तो बताते ही नहीं क्योंकि उनको आधे लोगों को खुद नहीं आती है। तो एक बार मौका दीजिए आईफोन को, एशिया टेलीकॉम को, हमारा 15 फरवरी से बैच है, 15 मार्च से बैच है, तो ज्वाइन करें एशिया टेलीकॉम, नीचे दिए नंबर पर कॉल करें दिन में 12-5 बजे के बीच में। थैंक यू वेरी मच। इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है? भी लगा कि प्रॉपर में आप, थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं फातिमा एशिया टेलीकॉम से और मेरे साथ है देव सर और फिरोज सर। तो जो हमारी 15 फरवरी से न्यू आईफोन की क्लास स्टार्ट होने वाली है, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैं देव सर और फिरोज सर से करूंगी। तो ये बताइए, जो हमारी न्यू क्लास स्टार्ट होने वाली आईफोन में, तो इसमें क्या खास है? मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे मेरे सारे स्टूडेंट जो देख रहे हैं और जो नए हमारे व्यूवर्स हैं, सबसे पहले मैं बता दूँ कि अगर आप पहले हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ मिलने वाला है बहुत सारी चीज़ें। क्या खास है, बहुत एक अच्छा सवाल है। तो ये खास हम दे रहे हैं कि जो फीस स्ट्रक्चर है और जो सिलेबस है हमारा और जो टाइमिंग है वो सबसे खास है, जो हमने इस तरीके से इंडिया में जो हमने रखा है वो आज तक किसी ने नहीं रखा है। सो ये हम आपको अपने अगले सवाल में बताएंगे। मैडम सर, फीस स्ट्रक्चर के बारे में हमें बताइए। बहुत सारे स्टूडेंट की इंक्वायरी आ रही है। देखिए दोस्तों, ये वीडियो बनाना पड़ता है, ये वीडियो बनाने का जो रीजन है वो क्या है सर? ये जो हमारे जो अभी आईफोन का कोर्स शुरू होने वाला है, तो इसके बारे में स्टूडेंट ये जानना चाहते हैं कि आपका फीस कितना है, आपका कोर्स का सिलेबस में, कोर्स में क्या सिलेबस आप देने वाले हैं, उसका ड्यूरेशन क्या है, उसका बैक सपोर्ट क्या है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास स्टूडेंट के आए हैं, तो हम उसी के रिलेटेड आज ये वीडियो बना रहे हैं और आपके सारे सवाल के यहाँ पर आपको जवाब मिल जाएंगे। तो ये वीडियो को पूरा देखिएगा, जैसे कि मैडम ने पूछा फीस स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि आपको क्वारीज आती है।
तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आईफोन में हमारी जो फीस है सबसे कम है एक बड़े लेवल पे अगर हम बात करें, जितना भी इंडिया में अदर इंस्टीट्यूट की बात करेंगे तो आपको जो वहाँ पे फीस स्ट्रक्चर मिलेगा उससे बहुत कम है। हमने अपने कोर्स को दो भागों में डिवाइड किया है, एक कोर्स वन जिसमें हम बेसिक टू एडवांस हम बताते हैं और एक कोर्स जिसमें हम सीपीयू लेवल का हम उसमें बताएंगे, एक और हम बताएंगे जिसमें दोनों कोर्सों को अगर किसी स्टूडेंट को करना है। फॉर एग्जाम्पल जो हमारा कोर्स वन है बेसिक टू एडवांस, जिसमें हम सारा आईफोन के स्कीमेटिक से लेकर उनकी छोटी आई सी लेकर सारी चीज जो न्यू है जो नए लोग हैं वो उसमें हम जो बताएंगे वो 45,000 है, जो 15 दिन का हमारा ड्यूरेशन होगा उसके पर भी मैं आपको बात करूंगा। और जो हमारा सीपीयू लेवल पे है जो ऑलरेडी काम कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल फिर उससे उसको बताइए किस तरह का सीपीयू लेवल का अगर कोई डायरेक्ट क्लास करना चाहे। जी सर, ये सीपी लेवल का कोर्स उस स्टूडेंट के लिए जो ऑलरेडी 4-5 साल से काम कर रहा है और जो आके अटक जाता है कहाँ पर, जहाँ पर आपको सीपीयू को रिवॉल्व करना है या रैम को निकाल के लगाना है या स्वाइपिंग करना है, तो आईसी लेवल का काम जो नहीं कर पा रहे उनके लिए हमारा ये कोर्स है। जैसे कि मैं आपको बताऊँ 7 के ऊपर, जैसे कि आपको पता 8 के ऊपर 7-8 में जितनी भी जो रैम है वो हमें सीपीयू के अंदर लगा दी गई है, उसको स्क्रैचिंग करके जो उसको निकालना होता है। मान लीजिए अगर एक रैम का प्रॉब्लम आ गया, सपोज किसी डीलर ने या जो मैं बोलूं कि किसी दुकान वाले ने गलत तरीके से कोई ऐसी एक आईसी लगा दी जिसमें रैम का एसडी रैम के साथ कुछ इस सप्लाई जुड़ी हुई है, अगर उस पर गलती से 1.8 की जगह कुछ और वोल्ट चले गए तो रैम शॉर्ट हो जाएगी। सो उस टाइम पे जो डाटा है जो कस्टमर का वो मेन होता है और वो फिर निकल नहीं पाता है, तो उस टाइम पे वो जो स्वैपिंग करते हैं लोग, स्वैपिंग करने के लिए फिर रैम निकालो या सीपीयू निकालो तो फिर वो बन नहीं पाता है उस टाइम पे, या तो रैम चेंज करना आ नहीं पाता है। तो ये जो पर्टिकुलर जो सीपीयू की क्लासेस है सिर्फ इसमें ये नहीं बताएंगे कि सिर्फ सीपीयू निकालना लगाना, सिर्फ ये जरूर बताएंगे कि रैम पर सेफली मैटर से कैसे हम निकालें, कैसे हीट को रखें, कितना टेम्परेचर पर रखें, सारी चीजें कौन कौन से टूल्स हम यूज करें। प्लस इसमें हम 3 out of 5 की गारंटी हम आपको देंगे जो फिरोज सर आपको बताएंगे। हमारे यहाँ पे जो कोर्स हो रहा है अभी इसमें आप एक 10 सेट अपने ला सकते हैं जिसके अंदर हम 3 में आपको स्वाइपिंग बताएंगे 8 से लेके 12 तक, जिसका सीपीयू और रैम दोनों आपसे, और खास बात यह है कि आपसे ही करवाएंगे उसमें 3 में। बिल्कुल, मतलब आपको प्रैक्टिस करने के बाद में लाइव बोर्ड हम ही देंगे यहाँ पर, डोनर बोर्ड भी हम देंगे यहाँ पर, और जो कि फीस के अंदर ही है 45,000 जो कि सबसे कम है। जैसे सपोज अगर कोई सिर्फ सीपीयू करना चाहता है तो 15 दिन का कोर्स है जिसमें 10 से 11 घंटे की क्लासेस है। और एक बात और खास मैं बता दूं कि यहां पर अगर आप एक बार कोर्स करते हो और कुछ डाउट रहता है या नहीं बन पाता है तो वो नेक्स्ट टाइम भी क्या कर सकता है फिरोज, वापस आ सकते हैं, जिसकी कोई फीस नहीं ली जाएगी वापस आप आ सकते हैं हमसे कॉन्टेक्ट करने के लिए। सो नेक्स्ट सवाल पे जाते हैं मैडम। सर आईफोन के सिलेबस के बारे में हमें बताइए और इसकी क्या ड्यूरेशन रहेगी, इस बारे में भी बताएं। देखिए आईफोन के जो सिलेबस पे मैं पूरा एक वीडियो बनाऊंगा, मैं बताऊंगा कि देखिए जैसे मैंने बताया दो कोर्स मैंने बोले, एक हो गया बेसिक टू एडवांस और एक हो गया सीपीयू लेवल। फिर सर बताएं बेसिक टू एडवांस किन लोगों के लिए है, किन लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए? सर बेसिक उस स्टूडेंट को करना चाहिए जिसको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, तो अगर वो डायरेक्ट सीपी लेवल पे जाता है तो वो कहीं ना कहीं जाके अटक जाता है। यहाँ पे वो आईसी रिवॉल्व तो कर लेगा या स्वाइपिंग तो कर लेगा, लेकिन फॉल्ट फाइंडिंग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जब वो फॉल्ट ही नहीं फाइंड कर पा रहा है तो वो मोबाइल नहीं बना पाएगा, वो कस्टमर को रिटर्न दे देगा। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए हमारा जो पहले वाला कोर्स है जो कोर्स वन है वो हर स्टूडेंट को ज्वाइन करना चाहिए, जिसको चाहे वो ZXW से आपको ढूंढना हो या वूजिंग से आपको ट्रेस करना है, ये नहीं बल्कि हम बहुत सारी चीजें इसमें ट्रिक और टिप्स बताएंगे। हाँ, छोटी छोटी आईसी है कैसे लगाना है, कैसे निकालना है, क्योंकि सिर्फ पत्रा निकालने में ही लोग डेड कर देते हैं, छोटी आईसी निकालने में डेड कर देते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट को बेसिक कोर्स करना चाहिए। सर हम यहाँ पर सिर्फ डेड मोबाइल में आपको चार्जिंग आईसी ऑडियो आईसी निकलवाना नहीं बताएंगे, हम चालू मोबाइल में आपको ऑन मोबाइल में जिसमें चार्ज हो रहा है उसकी यूट्यूब निकलवा कर हम ZXW से बताएंगे किस तरह से GR चेक करें, हम वूजिंग से बताएंगे किस तरह से उसमें वोल्टेज चेक करें, कौन सी I2C कौन सी I2S लाइन, कौन सा SDRAM, क्या SDA, क्या SCL, क्या सप्लाइयां होती है। सो ये सारी डिटेलिंग हम आपको बताएंगे किस तरह से चेक करें, इंटरली Layer 1 Layer 2 लेयर्स या Layer 6 या Layer 7 किस तरह से स्क्रैचिंग करें बोर्ड में, स्क्रू होल हम इसमें बताएंगे, हम इसमें बहुत तरह तरह की चीजें आपको, एरर्स हो गया इसमें जो Error 9 हो गया या Error 4-13 हो गया, 4-40 हो गया, 14 Error हो गया, जो आईफोन पे एरर आता है वो तक हम आपको बताएंगे। और उसमें हम JC Pro का यूज करेंगे, हम आपको JC Pro सिखाएंगे, हम आपको IP से, हम आपको WL से, हम उसको प्रोग्रामिंग आपको सिखाएंगे किस तरह से NAND को अपग्रेड करना है, अगर आपका 64 GB का है, अगर आपको 256 करना है तो अपग्रेड
अपग्रेड अपग्रेड अपग्रेड हम आपको बताएंगे और बहुत सारी चीजें दोस्तों इसमें है। तो मैं आपको इसके साथ में एक पेज में आपको डालूंगा साथ में और लिंक आपके नीचे रहेगी, आपको लिंक में मिल जाएगा हमारा पूरा कोर्स का डिटेल। बाकी आप जब कॉल करेंगे तो आपको फातिमा मैडम सारी चीजें डिटेलिंग से बताएंगी, बहुत आराम से बताएंगी एक एक चीज। सो एक और चीज यहाँ पे मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जो कोर्स वन है ये ऐसे स्टूडेंट को देख के रखा गया है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं, कहीं और भी हमने देखा है कि वो जाके कहीं और से आईफोन की ट्रेनिंग लिए हैं और उसके बाद है ना सर बस सीपीयू रिवॉल्व करते हैं, स्वाइपिंग करते हैं, लेकिन उनको फॉल्ट फाइंडिंग है या फिर ट्रेसिंग है, सप्लाई की नॉलेज है, हाँ डीपी लेवल पे वो नहीं कर पा रहा है। दो दिन आपको से बता देंगे और वो बोल देंगे कि प्रैक्टिस करो, हाँ, हो जाएगा। क्योंकि स्वाइपिंग तो वो कर रहे हैं लेकिन दूसरे जो कंपोनेंट रिलेटेड है आपको सप्लाई है या फिर ट्रेसिंग है इससे फॉल्ट फाइंड करके वो सेट बना नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए ये बहुत अच्छी एक उनके लिए अच्छा ऑफर है, वो जरूर ज्वाइन करें। मैं खास तौर पे यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जो अगर दोनों करना चाहता है तो उसके लिए एक पहले हम 15 दिन आपको देंगे कोर्स वन, फिर बाद में हम दूसरे 15 दिन बुलाएंगे और कोर्स टू देंगे। इसका एक रीजन मैं आपको बताऊं, जैसे कि मैडम ने पहला सवाल किया था क्या खास है, फिर सर बताइए इसके पीछे क्या कारण है। सर खास ये है कि सर जो स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं तो हमारे इंस्टीट्यूट की हमेशा से ये खासियत रही है कि हम स्टूडेंट से ही करवाते हैं, जो भी आईसी रिबॉलिंग है या फिर जो भी फॉल्ट फाइंड हम पहले उनको बताते हैं कि कैसे उनको लेते हैं, हाँ पूरा आप लोग को दिखाते भी हैं, पूरा प्रैक्टिकली कराते हैं, ये सबसे खास बात है। और इसके बारे में सर और भी बताएंगे इसके क्या खास है। मैं आपको बता दूं खास क्या है कि क्या होता है दोस्तों कि आप इंडिया में कितना भी ले लो, 20 दिन का कोर्स, 15 दिन का कोर्स, 25 दिन का कोर्स, 30 दिन का, एक बार में वन टाइम आकर आप सीपीयू भी करना चाहते हो और आप बेसिक भी करना चाहते हो तो ये नहीं हो पाता है, पूरा मिक्स हो जाता है और फिर बाद में स्टूडेंट नहीं कर पाता है और फिर इंस्टीट्यूट का लेवल जीरो करता है कि यार दुकानों में बैठ लो तो ज्यादा अच्छा है। सो मैं आपको बता दूं इसलिए हमने 15 दिन का पहला कोर्स रखा है कि पहला बेसिक टू एडवांस सीख के जाओ पूरा, फिर आपका जो है नेक्स्ट टाइम जब सीपी लेवल पे आओगे तब आपको कोई भी फीस नहीं देनी है और आपको हमारे पास आना है, जबकि हमारे यहाँ रहने का और खाने का सबसे मिनिमम चार्जेस है, मतलब आपको दिन का सिर्फ 200 रुपए चार्ज लगेगा, अगर बाकियों की तुलना में 500, 800 या 1000 रुपए लगता है आपको यहाँ पर 200 रुपए चार्ज लगेगा और आपको इंस्टीट्यूट से भी अलावा दूसरी जगह पे कहीं नहीं जाना है। सो आप यहाँ पे आएंगे, आप अपना बेसिक टू एडवांस करेंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे, आपको भी लगेगा कि आप क्या सीखे हैं, फिर आप उसके बाद आप सीपीयू लेवल करेंगे, अगर आप मिक्सर कर लेंगे तो आप सीख नहीं पाएंगे दोस्तों। बेसिक करने के बाद सर वो जब जाके काम करेंगे तो उनको फिर लगेगा कि हम किस लेवल तक पहुंचे हैं और उसके बाद कहां अटक रहे हैं, वो वापस से आके उसके बाद से वो क्लियर कर सकते हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट सवाल पे जाते हैं मैडम। सर ये बताइए क्या स्टूडेंट अपने साथ रिपेयरिंग के लिए हैंडसेट ला सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी इन्होंने सवाल किया है, मैं आपको बता दूं कि हमने यहाँ स्पीच को लोग डरते हैं, लोग डरते, मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे अपनी लाइफ में कि मैं उनसे बोलता है कि हम स्टूडेंट से 10 मोबाइल मंगवाएंगे तो बोलते थे नहीं नहीं ये पॉसिबल नहीं है, नहीं तो अगर स्टूडेंट मोबाइल बनाने बैठ जाएगा तो हम उसको सिखा नहीं पाएंगे। सो मैं यहाँ आपको बता दूं कि हमने यहाँ पर 10 फॉल्टी मोबाइल आप ला सकते हो अगर आप बेसिक टू एडवांस वाले हो। सो बेसिक टू एडवांस वाले आप फॉल्ट लाए, आप सीपीयू लेवल के हो तो बिल्कुल वो फॉल्ट लाए जिसमें सीपीयू पर हीट लगा हुआ है, तो जिस तरीके से सीपीयू बचा है तो कुछ भी किया जा सकता है, सीपीयू बचा है तो कुछ भी कर सकते हैं, स्वैपिंग आपको सिखा देंगे, कुछ भी फॉल्ट आप लाएंगे, पर ये हम आपको पहले हम खुद ट्रेन करेंगे और उसी मोबाइल पे आपको खड़े होकर और उसी प्रकार हम स्टूडेंट से ही करवाएंगे तो उसको भी लगेगा कि हाँ पहले मैंने यहाँ पे इन्हीं के लाइव बोर्ड में किया, हाँ अब मैं अपने बोर्ड में कर रहा हूं। सो लोगों को लगेगा कि अलग अलग मोबाइल जो स्टूडेंट लाएंगे तो उसे 100 प्रकार के फॉल्ट मिलेंगे उनको। फिर सर आप क्या कहना चाहेंगे कि ये जो हमने 10 मोबाइल का लाने को बोला है क्या ये बाकी में इंस्टीट्यूट कर पाते हैं क्या ऐसे अपने साथ। नहीं सर, अगर स्टूडेंट बोलता है कि हम कुछ सेट लेकर आएंगे आपके पास तो क्या आप वो रिपेयर करके बताएंगे, तो दूसरे इंस्टीट्यूट में हो सकता है ऐसा बोल दे कि नहीं मत लाना, हम बस यहाँ पे थ्योरी बताएंगे आपको कैसे करना है लेकिन करके नहीं दिखाएंगे। लेकिन आप हमारे एशिया टेलीकॉम के चैनल पे ऑलरेडी देखते हैं कि हर 2 दिन में एक वीडियो आता है जहाँ पर स्टूडेंट खुद अपने हाथ से करते हैं, हाँ EMMC में तो हम बोलते भी हैं उनसे, उन्हीं से करवाते हैं और हमारा हर महीने में 2 वीडियो ऐसे आते हैं जो स्टूडेंट का लाइव वीडियो होता है EMMC के अंदर। इसी तरह से आपको आईफोन में भी मिलेगा कि स्टूडेंट अपने हाथ से पूरा, उसमें कुछ कट नहीं किया जाएगा, पूरा स्टूडेंट ही करेगा उसमें भी। बिल्कुल, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत खास है, थोड़ा सा इसको पूरा सुनिएगा क्योंकि इससे आपसे सारी क्लियरिटी दूर होगी। मैडम नेक्स्ट सवाल क्या है। सर मैं फिरोज सर से एक क्वेश्चन करना चाहूंगी कि जो स्वाइपिंग है ये तो सभी सिखाते हैं लेकिन जो फॉल्ट फाइंडिंग है इसमें स्टूडेंट को बहुत प्रॉब्लम आती है, तो इस बारे में कुछ बताइए।
जैसा कि हमने पहले भी बताया आपको कि कहीं ऐसे इंस्टीट्यूट पे और कई सारे मेरे फ्रेंड्स भी है, बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो मोबाइल के अंदर, जब एंड्रॉयड में भी देखा है और आईफोन में भी देखा गया है कि जब मोबाइल उनके पास डेड मोबाइल आता है या फिर फुल शॉट या हाफ शॉट या लीकेज कोई भी कंडीशन में आता है तो वो लोग फंस जाते हैं, क्योंकि उनको सप्लाई और ट्रेसिंग का प्रॉपर नॉलेज नहीं है। क्योंकि वो लोग स्वाइपिंग तो सीख जाते हैं, ऐसी रिवॉल्व कर लेते हैं या सीपीयू एमएमसी निकाल के लगा लेते हैं, लेकिन फंस जाते हैं फॉल्ट फाइंडिंग में। मोबाइल के अंदर एक कैपेसिटर या फिर एक रजिस्टर से ही मोबाइल डेड हो सकता है, तो ये उनको प्रॉपर यहाँ पे हम आईफोन के अंदर बताएंगे कि कैसे आपको प्रॉपर आपको सप्लाई, चाहे सप्लाई की नॉलेज हो, चाहे ट्रेसिंग हो, चाहे फॉल्ट फाइंड करना हो, बहुत सारी स्पेशल स्पेशल ट्रिक्स आपको मिलेगी। और हमारे जो यहाँ पे ट्रेनर है उनके बारे में भी आगे बताएंगे आपको। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर सीपीयू लेवल के अगर आप कोर्स करते हैं, थोड़ा पास आओ तार नीचे, यहाँ पर जो सीपीयू लेवल का आप कोर्स करते हैं कि हम जल्दबाजी में कोर्स आपको नहीं कराना चाहते कि 3-2 दिन के अंदर सारे सीपीयू सिखाना है, फिर 3 दिन के अंदर स्कीमेटिक सिखाना है, ऐसा या पॉसिबल ही नहीं है। जब तक आप एक सीपीयू को, हर बच्चा A10 सीपीयू को एक बार रिवॉल्व करके लगा के चालू ना कर ले एक लाइव मोबाइल में, उसके बाद में वो लेवल बढ़ता है उनका, कि उसके बाद फिर उनको दूसरे बोर्ड और तीसरे बोर्ड देने की इच्छा होती है, बिल्कुल। और यही चीज वो 5 दिन 10 दिन 15 दिन में करेगा, और जब वो घर जाके करेगा तो वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होगा। यही चीज अगर मैं आपको कहूं कि स्कीमेटिक हो गया, ये फॉल्ट अप्लाई हो गई, इसको भी 5 दिनों में समझाया नहीं जा सकता। ये भी नहीं है कि हम आपको 24 घंटे बिठा दें क्लास में, कई ऐसा देखा गया है कि 12 से ज्यादा अधिक से ज्यादा घंटे दे देते हैं। तो एक कार्य क्षमता की भी एक सीमा होती है, जो एक समय सीमा के ऊपर क्या होता है, दिमाग से निकलने लगता है चीजें। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैडम नेक्स्ट सवाल क्या है? सर ये बताइए कि कोर्स कंप्लीट होने के बाद स्टूडेंट को क्या सपोर्ट दिया जाएगा? ये बहुत अच्छा सवाल इन्होंने किया है। इस सवाल का सबसे पहले आंसर मैं फिर उससे लूंगा, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा सपोर्ट क्या मिलेगा और सपोर्ट में क्या रहेगा, बताइए फिर उससे। सर यहाँ पे आप जब कोर्स करके जाओगे, यहाँ पर सपोर्ट के लिए हमने स्पेशली इस पे बहुत सारी चर्चा की है, और हमने ये सोचा है कि स्टूडेंट यहाँ पे जब तक कोर्स करता है तो उसका कॉन्फिडेंट लेवल तो बढ़ जाता है, लेकिन जाने के बाद कहीं ना कहीं वो जरूर अटकेगा। ऐसा नहीं है कि वो पूरा जाके प्रॉपर काम करेगा, तो जब भी वो अटकेगा तो हमारे यहाँ पर हमने सोचा है कि चाहे टीम व्यूवर हो या व्हाट्सअप हो या फिर हमसे कॉल करके भी, यानी जैसा भी आपको सपोर्ट मिलेगा। और स्पेशल ये है कि वो वापस दोबारा आ सकता है, एनी टाइम आ सकता है, जिसकी हम वापस से उससे फीस नहीं ली जाएगी। हाँ, हमारे टाइम के अकॉर्डिंग हम उसको समय देंगे। ऐसा नहीं है कि वो बोलेगा कल आ जाए, हम उसको बताएंगे, उसके समय से भी हम खड़े उतरेंगे और अपने समय पे भी, ताकि हमारे ट्रेनर भी उपलब्ध हो और उनको सही चीज मिल जाए। अगर वो चाहता है कि सर मैं पूरा कोर्स फिर से करना चाहता हूं, तो बिना कोई फीस के वो बिल्कुल वापस आ सकता है। और सपोर्ट इसके ऊपर कोई कुछ दे ही नहीं रहा है, जो आपको यहां मिलेगा बहुत कम फीस में, 245,000 ओनली फीस, 45,000 आपको 75,000 रुपए में, 75,000 रुपए में, 60-65,000 रुपए में आपको 15 दिन 20 दिन 25 दिन पढ़ाया जा रहा होगा। पर आप ये सोचिए कि एक महीने में आप पूरा एक साथ ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। लोग क्या करते हैं मैं आपको बताऊं, जैसे अगर कोई एज अ एग्जांपल मैं एक स्टूडेंट हूं, मैं इनके इंस्टीट्यूट में आया हूं और इन्होंने मुझे फीस बताई 55,000, मैं गया 55,000 में जैसे तैसे जोड़ करके लिया, पर बाद में मैं ये पता नहीं कर पाता हूं कि मैं रहने का कितना चार्ज लगेगा, खाने का कितना चार्ज लगेगा, क्योंकि वही चीज 10-15,000 तक पहुंच जाती है। तो फिर उसके बाद में टूल्स, फिर पता चला बोर्ड, फिर इतनी चीज, वो 90,000 और 1,00,000 तक मामला चला ही जाता है। सो हमने ये फीस इसलिए कम नहीं की है क्योंकि हम नए हैं और हम ऐसा कुछ, हमने फीस इसलिए कम की है क्योंकि हमारे भी पुराने स्टूडेंट हैं जो हमसे कह के जाते थे कि सर जब भी आप आईफोन चालू करेंगे तो आप ही के पास आएंगे, बहुत सारे हैं अभी भी कमेंट करते हैं। सो हमने इसलिए फीस कम की है क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इतनी महंगी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो इनके लिए 45,000 अफोर्ड करना एक इजी हो जाता है, रेदर आपका 60-65,000 अफोर्ड करने के बराबर। इसमें एक चीज ये बोलना चाहूंगा सर मैं कि ये सपोर्ट की जो बात कर रहे हैं, किसी को ऐसा लग रहा होगा कि सपोर्ट की क्यों जरूरत पड़ रही है, पहले तो हम क्यों जरूरत पड़ रही है ये बहुत बड़ी सवाल है। हम पहले तो ये बोलना चाहेंगे कि यहाँ पे जैसा स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है और हमारे हिसाब से हमारा इतना कॉन्फिडेंट है कि उसको वापस आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी,
फिर भी ऐसे कुछ स्टूडेंट आ जाते हैं जिनको जो कि बिल्कुल फ्रेशर होते हैं या जिसको ज्यादा समझ नहीं आता है, ज्यादा मेहनत नहीं करते हैं, मेहनत नहीं करते हैं, क्योंकि मेहनत नहीं करते हैं, कम समय देते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए हम ये रखें कि वापस दोबारा आए और उसकी फीस नेगेटिव ना हो और वो जो फीस पे किए हैं जो कॉन्फिडेंस से आए थे वो उनका जो कॉन्फिडेंस रहे वो बना रहे और वापस दोबारा आए और वो वापस से अच्छे से काम करें। बहुत यूजर फ्रेंडली हम यहाँ का माहौल रखे हैं और जब आप आओगे यहाँ पे तो आपको पता चलेगा जो हमारे ट्रेनर हैं सैयद सर वो बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली हैं और बहुत अच्छा सॉफ्ट नेचर है उनका जिस आप मिलोगे। सो आप मेरा नाम चेंज कर देना कि अगर आप उनके साथ अपनी फोटो अपने घर पे ना लगाओ तो। सो मैडम नेक्स्ट सवाल क्या बनेगा सर, ट्रेनर के बारे में बताइए, उन्हें किस तरह का एक्सपीरियंस है ये थोड़ा बताइए हमारे स्टूडेंट को। तो ये जैसे कि मैंने ट्रेनर की बात की और मैडम ने ट्रेनर का ही सवाल ले लिया, दोस्तों मैंने आपको बताया हमारे सैयद सर जो है वो 15 साल के एक्सपीरियंस है। अब आप कहेंगे सर आईफोन तो 6 साल से, तो जब से आईफोन 3S आया है ना वो तब से आईफोन का 3S से ही आईफोन पे सीपीयू पे काम कर रहे हैं। 4S की बात करें, 5 की बात करें, 5S 5C या हम करें 6 की बात, वो आईफोन XR और यहां तक उनका जो एक्सपीरियंस है उनकी जो कार्य क्षमता है वो प्रणाली सबसे अलग है। वो हमेशा सीखने में बिलीव करते हैं और वो हमेशा ये कोशिश करते हैं कि किस तरीके से मैं अपडेट हूं और अपने लोगों को अपडेट करूं। उनके सिखाने का तरीका काफी अच्छा है, काफी फ्रेंडली तरीका है और काफी आसानी से वो समझ में आ जाता है। मतलब बहुत ज्यादा टेक्निकली, जैसे कई लोग होते हैं जो टेक्निकली चीजों को भूल जाते हैं, जो डायग्राम्स बता देंगे लिखा देंगे पर आधे स्टूडेंट हाँ करते रह जाते हैं पर दिमाग में पहुंचता नहीं है। बहुत से ऐसे होते हैं जो 4 बार पूछने पर 5 बार पूछेंगे तो डांट देते हैं कि बार बार मत पूछो। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, बहुत ज्यादा यूजर फ्रेंडली है और बहुत ज्यादा ही एक्सपीरियंस है वो। तो उनके साथ आप जब आप सीखेंगे, आपने देखा उनके साथ बहुत सारे मैं काम शेयर करने वाला हूँ। मेरे फेसबुक में आप आइए, देवदन अग्रवाल मेरा सर्च कीजिए, शेख फिरोज आप सर्च कीजिए, दुर्गेश कुमार सोनी हमारे जो हमारे टीचर हैं उनके आप सर्च कीजिए, मेरे एशिया टेलीकॉम में सर्च कीजिए, देवदन अग्रवाल में सर्च कीजिए, स्मार्ट टेलीकॉम 1 फिरोज टेक्निकल फिरोज, ये सब यूट्यूब चैनल है हमारे स्मार्ट टेलीकॉम जो, ये यूट्यूब में जाइए लिखिए ये सब सर्च कीजिए और देखिएगा कि आपको बहुत सारे वीडियो और अपडेट यहाँ पे मिलने वाले हैं। सैयद सर के बारे में ये कहना चाहूंगा, मैं उनसे 1 घंटे के लिए कुछ मुलाकात हुई थी तो उस टाइम पे उन्होंने बताया कि वो तब से काम कर रहे हैं जब से नोकिया का जो हैंडसेट था जिसमें ब्लैक पेस्टेड आईसी आता था, तो उस लोग उस टाइम पे हाँ समझते थे कि वो होती ही नहीं है, निकलती ही नहीं है, तो उस टाइम पे वो ब्लैक पेस्टेड आईसी रिमूव करते थे, उसके अंदर माइक्रो जम्परिंग हो या फिर नोकिया के अंदर कुछ ऐसे हैंडसेट थे जिसके अंदर से रैम भी अलग से होता था, तो उस टाइम पे रैम पे वो काम किए हैं और वो इतने सॉफ्ट नेचर के हैं, बात करने में बहुत अच्छे है, बहुत ही सॉफ्ट नेचर के, बहुत अच्छा बात करने वाले, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा उनसे सीखने को मिलेगा। और आप आएंगे विजिट करेंगे, विजिट करने का एक मैं कारण बताना चाहता हूँ आपको कि क्यों एशिया टेलीकॉम को चुने, क्योंकि हमारी फीस स्ट्रक्चर सबसे कम है, हम सबसे ज़्यादा समय दे रहे हैं, हम आपको एनी टाइम विजिट का मौका दे रहे हैं, हम आपको गारंटी दे रहे हैं 5 out of 3 शॉपिंग, हम आपको हर तरह की गारंटी दे रहे हैं कि यहां से जाओगे तो आप सीख के ही जाओगे और निगेटिव होने का हम सवाल ही पैदा नहीं होने देंगे, क्योंकि अगर नहीं सीखे तो हम वापस खुद बुला लेंगे आपको। सो दोस्तों थैंक यू वेरी मच आपका, ये आई होप कि आपको इस वीडियो से सब कुछ पता चले और जो हमारा एक मोटिव था कि बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं उनको पता नहीं रहता है, वो लोग सोचते हैं कि क्या इनकी फीस है, कितनी क्यों रखी इन्होंने इतनी फीस और क्या इनका स्ट्रक्चर है, क्या क्या हम उसमें सिखाएंगे, बहुत सारी चीजें जो है वो मैं बोल नहीं पाया हूँ क्योंकि स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है। सो वो सारी चीजें आपको नीचे मिल जाएगी लिंक में, आप जाइएगा तो 1 click में आपको हमारा सारा वॉलपेपर और सब कुछ मिल जाएगा। बाकी आप कॉल कीजिए 12 और 5 बजे के बीच में। I'm also 9001 on 2008 certified institute. Asia Telecom. Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description.